मैंने वहां से अपना करियर शुरू किया एंड देन फिर मैं मुझे 3-4 अवार्ड मिले हैं, यूनेस्को का अवार्ड मिला है मुझे। फिर मैंने जेलो पे एक और एक स्टोरी की थी, जेल की दुनिया कैसी है। फिर मैंने एक स्टोरी की थी कि जो बंगाली औरतों की जो फ्लैश ट्रैफिकिंग होती है साउथ एशिया में वो कैसे होती है। तो जैसे राहत ने एक बात की थी कि जब आप किसी जगह जाते हैं तो आपको अपना गेटअप भी चेंज करना पड़ता है। जैसे कि एक जर्नलिस्ट के लिए भी बड़ा जरूरी होता है कि अगर वो जिस एनवायरमेंट में जा रहा है और उसे इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आपको उस जैसा बनना पड़ता है। ठीक है, कभी कभी आप बहुत सारे चालाक लोगों के सामने, बड़े सियासतदानों के सामने महज इसलिए बेवकूफ बन के बैठ जाते हैं कि आपको उनसे इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है और वो आपको एक बेवकूफ आदमी समझ के इन्फॉर्मेशन देना शुरू करता है। तो वो एक लेवल डेवलप करना पड़ता है आपको, एक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप करना पड़ता है एंड देन फिर आपको चीजें मिलती हैं, देन आप जो है वो लिखते हैं। लिखने के लिए जो बहुत सी चीजें, लिखना बेसिकली एक मेंटल प्रोसेस है। ठीक है, आप अपनी थॉट्स को, अपनी सोच को, अपने ख्यालात को जो है वो सफात पर जो है वो कलमबंद करते हैं। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि लिखना चाहते हैं? अच्छा, वेरी गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो आप लोग लगभग, लेकिन मुझे आप लोग ये बताएंगे कि आप लोग क्या लिखना पसंद करते हैं, मतलब आप लोग अगर आपको मौका मिले या आप लिखते भी हैं तो क्या लिखते हैं? लिखना चाहते हैं जी। मुझे पॉलिटिक्स और करंट अफेयर्स के लिखने का शौक, मैं लिखा भी है जो हालात हाजरा है इस तरह अभी वर्क कर रही पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट में भी लिखा है और जो पॉलिटिकल पार्टीज के वर्किंग उसके बारे में, जो किस तरह करप्शन हुई, किस तरह पार्क जो बनाए गए और जो भी काम उस तरह करप्शन हुई, कितना परसेंटेज बढ़ा है मेरी जिंदगी में। तो प्रेस में मैं रिपोर्टर हुआ था, मैं इसलिए मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती रहती, तो मैं लिखा उस बारे में। फैक्चुअल बेसिस